हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y75 5G वर्सेस वीवो का V23। इनका कंपैरिजन करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आई होप कि आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों के मतलब की लोकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहाँ लक्की स्माइल शॉप का, अगर आपने चला के देखना है तो आप लक्की स्माइल शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। उससे पहले थैंक यू जो मैरिज एनिवर्सरी के लिए कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरा स्विमिंग बाय मनी चैनल पे वीडियो है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी रिंग सेरेमनी थी, तो वो आपको उस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। स्नेहा जी का भी चैनल है, स्नेहा कौर के नाम से, आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने के लिए। तो अब आते हैं मेन बात पे। तो यदि आपने चला के देखना है, आप लक्की स्माइल शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों को रिव्यू करने से पहले, कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करने से पहले, हम सबसे पहले बता दूं कि इसको लॉन्च हुए कुछ दिन हुए हैं, इसको लॉन्च हुए को महीना हो चुका है। ये 5 जनवरी को लॉन्च हुआ था, ठीक है, वीवो Y23। तो काफ़ी जने इसका वेट कर रहे हैं कि हाँ भी इनका कंपैरिजन रहे। तो चलो आज मज़ा आने वाला है, बहुत तगड़ा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत ख़राब है। ये आपको 22,000 का और ये आपको 30,000 का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 8,000 का जो डिफरेंस आता है, उसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या और देखने को मिलता है, अंतर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लुक की बात करते हैं। लुक दोनों की ही काफ़ी है उसमें, मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगी है। इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, पर ऐसे दो हाईलाइट होते हैं, ये ट्रिपल कैमरा सेटअप तो आपको दिख ही रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइस आपको समझ में आ गया, 22,000 और 21,000, ठीक है, ओके। और क्लियर कर दूँ, हम सारे और क्लियर कर देता हूँ, हमें दिक्कत ना रहे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले साइज़ की। डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं वीवो के Y75 की 5G मॉडल है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो साइज़ रहने वाला है, डिस्प्ले साइज वो रहेगा 6.58 इंच फुल्ली HD प्लस IPS डिस्प्ले, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं वीवो को V23 की, अगर इसके डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं, तो इसका जो डिस्प्ले साइज रहने वाला है वो है 6.44 इंच फुल्ली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, ठीक है। मतलब कि डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में ये आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के फ्रंट कैमरे की, तो दोनों के दोनों फ्रंट कैमरे है जो नोच के साथ आपको मिलेंगे। इसमें जो आपका पहला फ्रंट कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। इसको चला के देख लेते हैं। तो हैं गबरू स्मार्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं कि आप जो स्नेहा कौर के नाम से है चैनल मेरा यूट्यूब का, उस पर जाकर भी सपोर्ट कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनकी थाडी भाभी का चैनल है, ठीक है, उनका नया चैनल है, तो उसको जाकर ज़्यादा जरूरत है सपोर्ट की। उसके बाद अगर हम इसका फ्रंट कैमरा दोनों का कंपेरिजन करके देखेंगे कैसा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कैमरे की। इसमें दो कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। मतलब कि फ्रंट का कैमरा अगर आप 8,000 रुपये खर्च रहे हो एक्स्ट्रा, तो फ्रंट कैमरा जो मिलेगा वो 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा आपको, फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल, ठीक है ना। जो फ्रंट कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इनका। आ जा फोटो पे भाई, अब देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। डिटेल तो आपको काफ़ी डिफरेंस में दिख रही होगी ना। अब इसको चेंज करके दिखा लेते हो, क्योंकि इधर रोशनी आ रही है ना। तो ये देखो, ये नहीं मान रहा, ठीक है। तो कैमरा के मामले में दोनों कैमरा अच्छे हैं अपनी जगह पे, पर ठीक है आपको इसमें आपको वाइड एंगल मिलता है देखने के लिए। ये वाइड एंगल है, मतलब कि जो 8 मेगापिक्सल है इसका, एक 8 मेगापिक्सल का, एक 50 मेगापिक्सल का डबल कैमरा है, ठीक है। कैमरे दोनों के बढ़िया है। फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसमें फीचर्स देख लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको इतने ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते। तो मेन बात तो यही है कि अगर आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो तो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको ये वाला फीचर इसमें देखने को नहीं मिलता, ये वाला फीचर देखने को मिलता, बाकी आपको सारे देखने को मिलते हैं। ये स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़े बढ़िया वाले, इसमें आपको स्लो मोशन भी देखने को मिल जाएगा थोड़ा और बढ़िया वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके राइट साइड में। कैमरा तो हो गया, कैमरा की बात होगी, तब राइट साइड में बात करते हैं। तो राइट साइड में अगर बात की जाए तो एक चीज़ और, इसकी जो लुक है ना वो एप्पल की तरह लगती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी राइट साइड में बात करते हैं, तो राइट साइड में अगर आप Y75 की देख रहे हो, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट के ऊपर ही, आपको पावर लॉक के बटन के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं पावर लॉक बटन की, तो वो सेम पोजीशन पे दोनों के देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम की रोक करके सेम पोजीशन में देखने को मिलेंगे। ये आप जो लाइनें देख रहे हो, ये है एंटीना बैंड, जो कि नेटवर्क को पकड़ने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कई होता है कि गाँव में जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क कम आते हैं, तो ये फ़ोन उसमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता है। यहाँ 30,000 खर्च हुए, थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, यही प्लस पॉइंट है। आपकी बात करते हैं नॉइज़ कैंसिलिंग के लिए माइक मिल जाते हैं,
एंटीना बैंड ऊपर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आप देखने को ये देख रहे हैं, इसमें सिम स्लॉट मिलेगी जिसमें दोनों 5G डाल सकते हो। 5G सेट ये है, ये भी 5G है, दोनों 5G है। लेफ्ट साइड दोनों क्लीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे एंटीना बैंड देखने को मिलेंगे। वीवो V23 के बारे में, जो V23 है इनकी थोड़ी सी उनकी 20,000-30,000 की सीरीज़ में आती है, मतलब थोड़ा बढ़िया सीरीज़ में आती है, ठीक है ना। कैमरों के मामले में अगर देखा जाए तो बेस्ट कैमरा इनकी वी सीरीज़ में होता है, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, एक्स सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। अगर डॉन की बात करते हैं, डॉन में अगर देखा जाए तो इनका जो स्पीकर ग्रिल है सेम पोजीशन में है, टाइप सी चार्जर सेम पोजीशन पे है। इसके सिम स्लॉट आपको नीचे देखने को मिलेगी वीवो V23 की, ठीक है। इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बाकी मेन माइक देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको हेडफोन लगा के गाने सुनने का बहुत शौक है तो आपके लिए ये नहीं है, अगर सुन सकते हो तो इसमें सुनना पड़ेगा। हाँ ब्लूटूथ वाले यूज़ कर सकते हो, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये तो था इनका सिंपल सा कंपैरिजन। अब आता है बैक कैमरों में। बैक कैमरों में बात की जाए तो दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा वीवो के Y75 में, ठीक है। नाम मेरे से गलत लिया जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि Y75 से वीवो V23 मैं ऐसे कंपेरिजन करता रहता हूँ, उसकी वजह से मेरे जो नाम है मैं आगे पीछे ले लेता हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। क्लियरिटी आपको पता है कि यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है टैग लाइन में आप पढ़ सकते हो। इसके कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। मुझे इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण ना ये छोटा सा लग रहा है, देखो कैमरा ना कितना मस्त है। साथ में आपको फ्लैश देखने को मिल जाती है और यहाँ पे 5G की ब्रांडिंग दिख रही है, ठीक है, और नीचे वीवो की ब्रांडिंग। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश। यहाँ पे जो लिखा हुआ मिला है वो 64 मेगापिक्सल देखने को मिल जाते हैं, नीचे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर इसकी बात करते हो, इसमें भी आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा सेम, और इसमें जो आपको कलर देखने को मिलेगा वो थोड़ा ना ऐसा कलर देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा ग्रीन शेड सा होगा, ठीक है। और इसको कलर चेंजिंग के नाम से भी दे रखा है नाम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो फ्लैश लाइट है, इसको छोड़ दो क्योंकि वो किसी ने भी यूज़ नहीं करनी, यहाँ तक मुझे पता है वो किसी ने भी यूज़ नहीं करनी। ऑन करके आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये देखो क्वालिटी में देख रहे हो आपकी कितना डिफरेंस दिखा रखा है वीवो ने, पूरी ऐड कर रखी है कि हाँ भाई हमारा कैमरा कैसा है, ये है वो है। चल छोड़ो, जो जिसको यार यूज़ नहीं करने आएगा वो क्या ही करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइट छोड़ो, ओके हम चलते हैं थोड़ा स्पीड टेस्ट के मामले में चलते हैं। उससे पहले अब आगे वाली डिटेल में चलते हैं। कैमरों की बात होगी, हम अब बात करते हैं वेरिएंट की। वेरिएंट दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा, 8GB RAM, 128GB इंटरनल मेमोरी, और दोनों की दोनों आप रैम बढ़ा भी सकते हो। कैसे बढ़ाना है, सेटिंग में जाके रैम का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको एक में दिखा देता हूँ, सेम उसमें भी और इसमें भी है। चलो आपको इसमें दिखाता हूँ, उसमें तो आपको मैंने दिखा रखा है। सेटिंग में जाना है, दोनों में सेम ऑप्शन मिलेगा अगर रैम बढ़ानी है, कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे आ गया रैम का ऑप्शन, देखो रैम लिखा ना, सेटिंग में जाओगे तो ऊपर स्वाइप करोगे रैम मिल जाएगा। 4GB RAM बढ़ा सकते हो, तो सेम उसकी भी 4GB कर सकते हो रैम। रैम बढ़ाओगे तो याद रखना इंटरनल मेमोरी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो 128 है ना, ओए होए कितना अच्छा लग रहा है ना, ओए होए शर्मा गई क्या। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इनके प्रोसेसरों के बारे में। प्रोसेसर की बात की जाए तो दोनों में डायमेंसिटी के प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें आपको 700 मिलेगा डायमेंसिटी, 700 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5G प्रोसेसर है। इसमें डायमेंसिटी 920 आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5G है, ठीक है। इसका जो है वो 6 नैनोमीटर पे काम करता है। बैटरी की बात करते हैं तो इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिसको हम नॉर्मली कहेंगे, जब 18W का चार्जर देखने को मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपको 42,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और 4200 की मिलेगी, मैं 1000 बोल रहा हूँ, सॉरी ऐसे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके जो चार्जर हैं वो फास्ट देखने को मिलेगा, फास्ट मतलब पूरा फास्ट नहीं पर फास्ट देखने को मिलेगा, 44W का फास्ट चार्जर। अब अगर आप 8000 एक्स्ट्रा करते हो आपको क्या प्लस पॉइंट मिलता है, फ्रंट कैमरा आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का, साथ में वाइड एंगल भी मिल जाएगा जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। डिस्प्ले की बात करते हैं, सॉरी एमोलेड है। क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी इसकी डिस्प्ले के मामले में। हाँ एक चीज़ बता दूँ, यदि आपकी डिस्प्ले बार बार टूटती है तो आपको थोड़ा इसमें थोड़ा खर्चा महंगा पड़ता है, इसका ये थोड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका जो मिलेगा देखने को वो मिलेगा आपको इसकी जो बैक कैमरे की क्वालिटी है वो और बेटर मिल जाती है, ठीक है। 8000 रुपये खर्च हुआ, एटलीस्ट थोड़ा अच्छा सा मिलेगा ही। उसके बाद प्रोसेसर भी इसका और तगड़ा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि 35000 का है, जो कि 12GB RAM, 256GB इंटरनल मेमोरी है, तो उसमें भी आप 4GB RAM बढ़ा के उसको 16GB कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा कंपेरिजन, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अब थोड़ी सी स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं दोनों में। क्लियर क्लियर, ओके।
ओके, अब ज़्यादा नहीं, हम बहुत मतलब कि एक दो चीज़ें चला के देख लेते हैं, उससे से आपको मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी स्पीड अच्छी जाएगी। रीज़न क्या है, डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर है, ठीक है ना, पर फिर भी देख लेते हैं कि कितना फ़र्क आता है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ओहो, इधर मैंने टच ही नहीं किया, सिर्फ इसको क्लियर करेंगे, इसको क्लियर नहीं करेंगे। ओके, क्रोम देख लो, आपको फ़र्क दिख रहा होगा इसमें, जो भी आपको दिख रहा है आपकी आंखों के आगे ही है। कॉन्टैक्ट्स देख लो, लगभग सेम ही चल रहा है, इतना डिफरेंस आ नहीं रहा। वैसे इतना डिफरेंस आता भी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ स्पीड में बहुत ही ज़्यादा हाई डिफरेंस आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB का ही फ़र्क पड़ता है, 1 सेकंड का ही फ़र्क पड़ता है, इतना मिनी पड़ता है। जीमेल देखो कितनी जल्दी खोल रहा है। उसके बाद गूगल भी लगभग इक्वल ही है, अगर देखा जाए तो। इसकी रोशनी कम कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ दोनों की। तो अगर देखा जाए तो दोनों की स्पीड के मामले में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर ओके है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल सा कंपैरिजन कर दिया इन दोनों सेटों का, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। चलो वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक। तो फ्रेंड्स, फाइनली इनका कंपैरिजन कर दिया, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। इसका कंपैरिजन मुझे पता है रेनो 6 के साथ भी आप देखने के लिए तरस रहे होंगे, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। और मैं थोड़ा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, वो मेरी लाइफ में भी हैप्पी मोमेंट थे, वो आपने देखने मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हो। दूसरा चैनल कौन सा है आपको पता है? ये वाला स्विमिंग बाय मनी, कई जने जानते हैं, ठीक है। और स्नेहा जी का भी चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पहला, तो उनको भी जाके सपोर्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? वीवो का Y75 5G, वीवो का V23 5G, इसका प्रो वर्जन भी है, ठीक है। तो कंपैरिजन सबके इसके अभी रहते हैं, मैं करूंगा जरूर, आएंगे जरूर। और इसका ये तो अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसके कंपैरिजन भी आएंगे। मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी भी, क्योंकि अभी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, मेरी शादी की तैयारियाँ, वाह, खुद ही कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और चैनल को सपोर्ट करके रखना अपने भाई को। देखो बिजी सारे होते हैं, थोड़ा बिजी हो ही जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।